डिस्कस करते हैं चैलेंज ऑफ ह्यूमैनिटी। आज के टाइम पे जो इंसानियत है, इंसानियत बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से होके गुजर रही है। तो ऐसे चैलेंजेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये फेस कर रही है इंसान आज के टाइम में कि दुनिया में अलग अलग तरह के प्रोफेशंस हैं, इतने अलग अलग तरह के प्रोफेशंस, लेकिन इस दुनिया में जितने भी काम किए जाएंगे, कितने भी फैसले लिए जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक प्रोफेशन पे आके टिक गई है। वो प्रोफेशन जो है नेताओं का प्रोफेशन या पॉलिटिशियंस का प्रोफेशन, और ये सिर्फ एक प्रोफेशन बाकी सारे प्रोफेशंस पे हावी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज जो फेस कर रही है इंसानियत, वो चैलेंज ये फेस कर रही है कि अब सारी ताकत जो है वो सारी ताकत आ गई है पॉलिटिशियंस के पास। तो पॉलिटिशियंस के पास सारी ताकत है, तो ये एक शाश्वत सच्चाई है कि जो अथॉरिटी है या जो ताकत है, ये हमेशा अट्रैक्ट करती है ह्यूमन रेस के जो लोवेस्ट एलिमेंट्स हैं, इन्हें जरूर अट्रैक्ट करती है। ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज्यादा ताकत की चाहत है, और ऐसे लोग जो थोड़े से क्रिमिनल माइंडेड हैं, जिन्हें ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, क्रिमिनल माइंडेड है, ऐसे लोग तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं राजनीति की तरफ। और ये ही राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये सिर्फ पूरे दुनिया में चल रहा है कि एक जमाने थे राजनीति वो लोग करते थे जो समाज के लिए कुछ करने की सोचते थे। आज के टाइम में राजनीति बढ़ती जा रही है कि वो जो पावर हंग्री लोग हैं वो राजनीति में उतर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इंसान टैकल करेंगे इस बात को, क्योंकि पॉलिटिशियंस का क्रिमिनलाइजेशन होता जा रहा है। और इसी के चलते एक आपको दिखाता हूँ एक फैक्ट कि हमारे अपने देश की अगर बात करी जाए, तो हमारे अपने देश में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, इनका परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। और 2004 में 24% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस थे, और 2019 तक आते आते 43%, यानी कि करीब करीब आधे नेता जिनके पास हमारे देश की बागडोर है वो क्रिमिनल्स हैं, आधे करीब करीब। और यही अगर ग्राफ बढ़ता चला गया इसी तरीके से, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या ऐसा होगा कि 2070 के आसपास 100% पॉलिटिशियंस जितने होंगे वो सबके सब क्रिमिनल्स होंगे? क्या हम उस भविष्य की तरफ जा रहे हैं? कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, और कुछ सॉल्यूशंस अगर नहीं निकाले गए तो ये दिन दूर नहीं। और इंसान आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज से लेके और ना जाने कहां कहां कितने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इस टाइम पे तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो पॉलिटिशियंस हैं पूरे दुनिया में, खास तौर पे यूरोपियन एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स में, कि वो कायदे के लोग आए, वो टू पार्टी सिस्टम से बाहर निकल पाए, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इंसानियत के। अब बताता हूँ अपने पेड ये टीचमेंट कोर्सेज के बारे में। हमारे चैनल में दो तरह की ऑडियंस है, तो दोनों तरह की ऑडियंस के लिए दो अलग अलग बैचेस बनाए हैं। और इन बैचेस में पहला बैच जो है ये बनाया है क्लास 6 to 8 के लिए। इसमें हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स एंड साइंस। टीचमेंट का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्लासरूम आईडी डालने को कहा जाएगा, तो आप अगर ये क्लासरूम आईडी डालेंगे तो आप क्लासरूम में आ जाएंगे। दूसरा क्लासरूम है क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी, जिसमें कर रहे हैं हम, और 11th 12th की एनसीईआरटी करने के दौरान ही आपका क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी भी कवर होती है। 11th 12th की एनसीईआरटी का कोर्स बिल्कुल यही चीज़ है और थोड़ा सा डिटेल में है। तो ये रही इसकी क्लासरूम आईडी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी, हमने स्टार्ट किया है। और आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि किस तरीके से ये टीचमेंट के लेक्चर्स होते हैं। तो टीचमेंट में जब आप जाएंगे, तो पहला बैच क्लास 6 to 8, इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं। और अभी तक जैसे क्लास 7th साइंस का मोशन एंड टाइम हम कवर कर चुके हैं, ट्राइंगल्स प्रॉपर्टीज, क्लास 8 साइंस, तो इस तरीके से हम साइंस के और मैथ्स के लेक्चर्स ले रहे हैं। तो ये तो, और इन सारे लेक्चर्स का आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ चैट बॉक्स मिलता है, चैट बॉक्स पे आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नोटिस बोर्ड है और स्टडी मटेरियल है, जितने भी चैप्टर्स कराए जाएंगे टीचमेंट पे और यहाँ पे भी, इन सब के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा
जो क्लासरूम है ये है क्लास 11th एंड 12th जियोग्राफी का। फिजिकल जियोग्राफी हमने स्टार्ट करी है क्लास 11th की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास 11th फिजिकल जियोग्राफी का 6th चैप्टर 5th चैप्टर हम 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरीके से इन सारे जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11th फिजिकल जियोग्राफी हम मार्च तक में हमारी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें भी समरी के फॉर्म में भी हैं लेक्चर्स और लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। तो आधी बुक हम करीब कवर कर चुके हैं और मार्च तक में आपको पूरा फिजिकल जियोग्राफी क्लास 11th का मिल जाएगा। एंड क्लास 11th फिजिकल जियोग्राफी के साथ ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा 6 से 10 की जो फिजिकल जियोग्राफी है ये भी कवर आपका हो जाएगा। और इसमें भी आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। अभी तक जितने हम 5-6 चैप्टर्स कर चुके हैं इन सब का PDFs भी आपको मिलेगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा ₹250 per month पे। और ये मेरा UPI ID है, इस UPI ID पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और QR कोड है ये। और पेमेंट करने के बाद आपको 1 महीने के लिए पूरा ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोज देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट करें तो एक और खास चीज, आप अपना नाम और क्लास बता दीजिएगा कि हमें थोड़ा सा सहूलियत रहे कि आपका पेमेंट रिसीव करने में। तो ये हमने बेसिकली एक थोड़ा सा आउटलाइन देखा अपने टीचमेंट कोर्सेज का।